दोस्तों, अगर आपको ब्राइटनेस कम करनी होती है अपने फ़ोन की, तो आप क्या करते हो, कैसे स्क्रॉल डाउन करते हो, उसके बाद यहाँ पे मिलता है आपको ब्राइटनेस लेवल का ऑप्शन। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस पे स्क्रीन पे टैप किया, और करने के बाद सिंपली ऐसे मैंने किया इधर स्लाइड लेफ्ट साइड में, तो आप देख सकते हैं मेरा ब्राइटनेस कम हो गया। ऐसे ही अगर यहाँ से ऐसे बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं ब्राइटनेस मेरा यहाँ से बढ़ गया। इसमें एक और खूबी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ कॉर्नर पर मैं एक बार ऐसे टैप करूँगा तो यहाँ पर मेरा स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट कैप्चर हो चुका है। डबल टैप अगर मैं करता हूं तो मेरा फोन यहां से लॉक हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं मेरा फोन यहां से लॉक हो चुका। तो ये फीचर आप अपने फोन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, चलिए वीडियो में आगे जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल माय स्मार्ट वर्ल्ड। दोस्तों, आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन आपको कहाँ से मिलेगी? जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके टाइटल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको एक ऐप लिंक। इस पर क्लिक करके सिंपली आप उस ऐप को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद आप इस ऐप को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस के साथ ये ओपन होता है। यहाँ पे ये स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, तो आपको क्या कर देना है, इस पर एक बार टैप करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि आप वो सारी सेटिंग जो है वो सेट कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ गेस्चर नाम का एक ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट में, आप इस पर सिंपली क्लिक कर लेना और यहाँ पर इनेबल कर लेना सबसे पहले। अगर ये आप में ऑफ होता है तो इसे ऑन कर लेना। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर इसकी सेटिंग मिल जाती है। सिंगल टैप पर मैंने सेट करके रखा है स्क्रीन शॉट, यहाँ पर डिसेबल आप में रहेगा सबसे पहले। तो आप क्या करना कि यहाँ से आप देख लो कि आपको क्या चाहिए, स्क्रीनशॉट चाहिए, होम बटन, बैक बटन, स्प्लिट बटन वगैरह बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप इसमें से जो चाहो सेलेक्ट कर लेना। तो मैंने स्क्रीनशॉट सेट करके रखा है जो कि सिंगल टैप में हमारा स्क्रीनशॉट होगा। डबल टैप पे आप देख सकते हो मैंने सेट करके रखा है टर्न ऑफ स्क्रीन, तो यहाँ से डबल टैप में ये हो जाएगा। लॉन्ग प्रेस अगर वहाँ पर आप करते हो तो यहाँ पर भी आप सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्वाइप राइट वगैरह बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सेकेंड नंबर पे आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर पे आप क्लिक करते हो तो आपको मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से मैं इसको अगर ऐसे स्लाइड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का आइकन यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप अगर चाहते हो इसको चेंज करना तो आप ये वाला भी लगा सकते हो, शो इंडिकेटर हो रहा है। आप चाहो तो उसे ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ से अगर इसे ऑफ कर देते हो तो यहाँ पे शो नहीं करेगा, बल्कि सीधे ब्राइटनेस कम और ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं इसे फिलहाल ऑन ही रहने देता हूँ। नीचे में आपको मिल जाता है इसका कलर। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो बैकग्राउंड कलर पर क्लिक करके आप इसका कलर चेंज कर लेना। मेन स्लाइडर में आपको मिल जाता है यहाँ पे, देखो ब्राइटनेस वाली जो है स्लाइडर में ब्राइटनेस हमने सेट करके रखा है, तो आप चाहो तो इसे भी चेंज कर सकते हो। ब्राइटनेस को मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके रखा है, आप चाहो तो इनमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें है, नीचे में आप देख सकते हो बैटरी बार। बैटरी बार पे आप क्लिक करते हो और इसको आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन हमारे सामने आ चुका है। अगर हम इसे ऑन कर देते हैं तो आप देख सकते हो बैटरी अभी 97% है, तो यहाँ पे आ गया ही है। इसकी हाइट वगैरह देख सकते हो, मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। जैसे जैसे मैं ये बढ़ा रहा हूँ ऊपर में, आप ध्यान देना कि यहाँ पर कम और ज़्यादा हो रही है। तो इस तरीके से आप बैटरी स्टेटस बार को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसकी भी ढेरों सारी सेटिंग मिल जाएगी। आप इसके कलर को भी यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ नीचे में आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है एक्स्ट्रा, इसमें भी आपको कुछ कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी अपने फ़ोन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें दोस्तों। आप छेड़छाड़ जब करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर आपको क्या करना है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलता है दोस्तों बहुत ही जल्द एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।